नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Realme U1 के टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इसके हिडन फीचर्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग लगभग 50 से भी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, Realme U1 के साथ Realme 2 Pro का बहुत सारे फीचर्स आपको सिमिलर मिल जाएंगे। तो अगर आपने मेरा Realme 2 Pro का 40 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स देखा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पहले के कुछ मिनट आप देख सकते हैं लेकिन बाद में आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों फर्स्ट में ही मैं आप लोगों को एक कूल ट्रिक बता देता हूँ जिसकी मदद से आप एक अच्छे फीचर को यूज़ कर सकते हैं जो आपको इस फोन में इनबिल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही यूज़फुल फीचर भी है, जो कि है थीम्स का। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो थीम है थोड़ा चेंज है, आइकन पैक्स वगैरह चेंज है। अगर लॉक स्क्रीन को देखेंगे लॉक स्क्रीन भी यहाँ पे चेंज है। तो अगर आपको थीम चेंज करना है अपने फ़ोन का तो वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थीम चेंज करने के बाद आपका नोटिफिकेशन पैनल या फिर सेटिंग्स का जो पैनल है वो पैनल उतना चेंज नहीं होता है। खाली यहाँ पे आइकन्स वगैरह चेंज होता है, वॉलपेपर चेंज होता है और लॉक स्क्रीन वगैरह चेंज हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप APK फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं थीम स्टोर का। आपको थीम स्टोर का APK फाइल आपको मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे थीम स्टोर का आइकन मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे थीम स्टोर है, थीम स्टोर को ओपन करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे ओप्पो थीम स्टोर ओपन हो जा रहा है और सारा जो थीम है यहाँ से थीम्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और थीम्स डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉलपेपर्स को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप Realme का फ़ोन फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं और फ़ोन के बारे में आपको बहुत कुछ पता नहीं है और छोटा मोटा प्रॉब्लम हो जाता है तो फ़ोन के अंदर से ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। छोटे मोटे कॉमन जो प्रॉब्लम्स है उनका सलूशन आप अपने फ़ोन से ही निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन, उसके अंदर चले जाइए। जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा यूज़र गाइड का एक ऑप्शन। यूज़र गाइड के अंदर जाने के बाद ट्रैवल शूटिंग में अगर जाएंगे तो वहाँ पे देख पाएंगे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है, जो कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है फ़ोन के साथ में और उसको आप कैसे सॉल्व करें वो भी यहाँ पे लिखा गया है। और उसके अलावा यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ई वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा। और एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको एक और फंक्शन मिलेगा जो कि है OTG कनेक्शन का। नॉर्मली अगर आप OTG पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे OTG आपका काम नहीं करेगा। OTG के सहारे आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा फर्स्ट में। इसके लिए आपको पहले यहाँ पे एडिशनल सेटिंग के आके OTG कनेक्शन को इनेबल करना होगा, इसके बाद ही आपका OTG फंक्शन काम हो पाएगा वरना नहीं होगा। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने पूछा था Realme 2 Pro के टाइम में कि यहाँ पे फ़ोन को रीस्टार्ट कैसे करें। अगर पावर बटन को बहुत देर तक लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पावर ऑफ का ऑप्शन, लेकिन अगर आप रीस्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए आपको दो बटन का कॉम्बिनेशन प्रेस करना होगा जो कि है वॉल्यूम अप एंड पावर बटन। इन दोनों को एक साथ में लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तब तक जब तक आपका यहाँ पे Realme का लोगो नहीं आ जाता है, और Realme का लोगो आ जाने के बाद आपको छोड़ देना है, तब आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन फिनिंग का फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, हालांकि ये फीचर थोड़ा पुराना है। अगर आप किसी को फ़ोन दे रहे हैं और उसको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन यूज़ करने देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन फिनिंग का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन फिनिंग को आप एडिशनल सेटिंग में जाके एक्सेस कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा डिवाइस एंड प्राइवेसी सेटिंग में। डिवाइस एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पिनिंग का ऑप्शन, एकदम लास्ट में देख सकते हैं स्क्रीन पिनिंग दिया गया है। स्क्रीन पिनिंग को सिलेक्ट करके आपको इनेबल कर देना है। स्क्रीन पिनिंग को इनेबल करने के बाद आप जिस ऐप को यूज़ करने देना चाहते हैं उस ऐप को आप ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको करना होगा रीसेंट मेनू में जाना होगा। जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऐप के ऊपर एक पिन का आइकन दिया गया है, इस पिन को आपको सिलेक्ट कर देना है। एक बार सिलेक्ट कर देंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप इसको अनलॉक कर सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे स्क्रीन पिन हो गया है। अब अगर कोई भी यहाँ पे बैक में जाना चाहता है तो यहाँ से बैक में नहीं जा पाएगा, यानी कि वो सेटिंग में ही रह सकता है, इसके बाहर नहीं जा पाएगा। और किसी को यहाँ पे एग्जिट करना है तो ये रीसेंट और बैक बटन को दोनों को एक साथ को प्रेस करना होगा। दोनों को प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिक लॉक स्क्रीन में चला जाता है, तो अगर उसको लॉक पैटर्न पता है तो लॉक पैटर्न ऑन करके चला सकते हैं वरना नहीं चला पाएगा। अगर आपको फ्री रैम जानना है तो नॉर्मली आप नहीं चेक कर पाएंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे फ्री रैम नहीं शो करता है, लेकिन फ्री रैम आप एक तरीके से शो कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा फ़ोन मैनेजर के अंदर। फ़ोन मैनेजर के अंदर आपको जाना होगा। फ़ोन मैनेजर के अंदर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन कॉमन प्रॉब्लम डिटेक्शन के नाम से। ऑन करने के बाद आप डिटेक्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये ऐसा आएगा। यहाँ पे बहुत सारे टिक किया हुआ है, आपको सबको अनटिक करना है, सबको अनटिक कर देना है, सिर्फ मेमोरी पे आपका टिक रहेगा। और टिक रह जाने के बाद आपको स्टार्ट डिटेक्शन करना है। स्टार्ट डिटेक्शन एक बार कर देंगे तो आपका यहाँ पे
डिटेक्ट कर लेगा कितना रैम फ्री है, और देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है 4 GB में से आपका 1.76 GB जो रैम वो यहाँ पे फ्री दिखा रहा है। तो ऐसे करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपका फ्री रैम कितना है। हालांकि प्रोसेस थोड़ा लंबा है, फिर भी अगर आपको क्यूरियोसिटी है जानना है रैम कितना फ्री है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फ़ोन में आपको इनबिल्ट गेम स्पेस का एक फीचर मिल जाता है जिसकी मदद से आप गेम के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, और गेम के टाइम में आप किसी भी डिस्टर्बेंस से बच सकते हैं, किसी भी डिस्टर्बेंस को आप डिजेबल करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको गेम स्पेस का फीचर, गेम स्पेस का एक ऐप आपको स्क्रीन के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। गेम स्पेस के अंदर आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बैलेंस चेंज करके आप परफॉर्मेंस डाल सकते हैं, या फिर हाई परफॉर्मेंस डाल सकते हैं, या फिर लो परफॉर्मेंस कर सकते हैं बैटरी सेव करने के लिए। इसके बाद आप नोटिफिकेशन बैनर को ब्लॉक कर सकते हैं। जब भी आप गेम खेल रहे होंगे तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन बैनर की तरह नहीं दिखेगा और आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ब्राइटनेस लॉक आप कर सकते हैं, गेम खेलते टाइम आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगा जिसकी वजह से काफ़ी टाइम बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है। और इसके बाद सेटिंग में जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे ग्राफिक्स एक्सेलरेशन, गेम असिस्टेंट, ये सब फीचर आपको यहाँ पे इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो अपने फ़ोन का स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, गेम खेलते टाइम या फिर कुछ भी करते टाइम आप अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में चले जाना होगा। सेटिंग में चले जाने के बाद आपको एकदम नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा सिस्टम ऐप्स। सिस्टम ऐप्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जाके आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो नोटिफिकेशन ड्रॉअर को पुल डाउन कीजिए। पुल डाउन करने के बाद आप यहाँ से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है। आपको इस फोन में जो वीडियो प्लेयर मिलता है, वीडियो प्लेयर की मदद से भी आप थोड़ा यूनिक काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी वीडियो को अगर आप प्ले करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करते हैं, प्ले करने के बाद आप यहाँ पे वीडियो को सिर्फ ऑडियो को ही प्ले कर सकते हैं। मतलब वीडियो का जो ऑडियो है, वीडियो का ऑडियो प्ले कर सकते हैं और बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो को अगर मुझे ऑडियो प्ले करना है तो वीडियो प्लेयर के अंदर में आपको ऊपर की तरफ जाना होगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे एक आइकन दिया गया है लॉक बटन के पास में, तो इस आइकन को अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये जो है ये सिंपली ऑडियो बन के आ जाता है। देख सकते हैं सिर्फ ऑडियो प्ले हो रहा है, वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। और अगर आप अपने फ़ोन को लॉक भी कर देंगे तो भी ये बैकग्राउंड में प्ले होता रहेगा। तो नॉर्मली ये जो फीचर है ये थर्ड पार्टी ऐप्स में जैसे MX प्लेयर में सपोर्टेड है, लेकिन आपको यहाँ पे ये फीचर इनबिल्ट ही मिल जाता है। अगर आपके पास कोई वीडियो सॉन्ग है तो आप उसका वीडियो बंद करके सिर्फ ऑडियो को ही इंजॉय कर सकते हैं। इस फ़ोन के जो सारे फाइल्स हैं, इस फ़ोन के सारे फाइल्स को आप किसी दूसरे फ़ोन से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो अपने PC से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए होगा एक वाईफाई नेटवर्क जिसके अंदर में आपका PC या फिर आपका दूसरा मोबाइल जहां से आप इसको कनेक्ट करना चाहते हैं, दोनों को ही कनेक्ट करना होगा। एक तो इस मोबाइल को कनेक्ट करना होगा और उसके साथ साथ जिस मोबाइल से या फिर जिस लैपटॉप से आप कनेक्ट करेंगे उस मोबाइल को भी सेम वाईफाई नेटवर्क पर कनेक्टेड होना होगा। और कनेक्टेड हो जाने के बाद आपको जाना होगा फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर में अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिमोटली मैनेज फोन फाइल्स, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्ट सर्विस करना है। स्टार्ट सर्विस कर देने के बाद आपको यहाँ पे एक IP एड्रेस मिलेगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एक IP एड्रेस शो कर रहा है। इस IP एड्रेस को आपको दूसरे फ़ोन में या फिर दूसरे PC में जाके ब्राउज़र में जाके ओपन करना है। तो यहाँ पे दूसरे फ़ोन में IP एड्रेस डाल देने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा फाइल्स का जो इंडेक्स था, सारा फाइल का इंडेक्स यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे कोई फाइल को ओपन करके आप देख सकते हैं इसके अंदर में सारे जितने भी फाइल्स थे वो सारे फाइल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। सिंपली आप रियलमी का फ़ोन जो है, रियलमी फ़ोन का जो फाइल्स वगैरह है वो आप दूसरे किसी भी फ़ोन से एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको स्प्लिट स्क्रीन मोड में जाने का ऑप्शन मिल जाता है। स्प्लिट स्क्रीन मोड में जाने के लिए आप दो तीन तरह से जा सकते हैं। इसके लिए पहले आप रिसेंट मेनू में चले जाइए। रिसेंट मेनू में जाने के बाद आप ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप कर दीजिए और उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन मोड में जा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके से आपको मल्टीटास्किंग में जाना है तो आप रिसेंट मेनू को लॉन्ग प्रेस करके रखिए और आपका मल्टी विंडो मोड में आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप नीचे से 3 फिंगर से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो भी आपका ये मल्टी विंडो मोड में आ जाएगा। इसके अलावा रिसेंट मेनू में जाएंगे तो आपका यहाँ पे एक ही साथ में सारे ऐप को आप यहाँ पे क्लोज तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही साथ में सारे ऐप को क्लोज करते रहे आप किसी भी ऐप को चाहे तो लॉक करके रख सकते हैं, वो ऐप क्लोज नहीं होगा, बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। इसके लिए आपको रिसेंट मेनू में जाने के बाद ऐप को ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करना होगा। स्वाइप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन मोड आता है और उसके साथ लॉक मोड आता है। लॉक हो जाने के बाद देख सकते हैं लॉक का एक आइकन आ गया है। उसके बाद आप सारे ऐप्स को एक साथ क्लिक करेंगे तो भी देख पाएंगे एक जो ऐप था वो ऐप नहीं क्लोज होगा। आपको यहाँ पे क्लोन ऐप्स का फीचर मिल जाता है जिसकी मदद से आप किसी भी ऐप का डुप्लीकेट बना सकते हैं और एक ही फ़ोन में दो अकाउंट चला सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाना होगा एकदम नीचे की तरफ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लोन ऐप्स का फीचर। क्लोन ऐप्स के फीचर के अंदर आप ध्यान पर रखिए इस फ़ोन में आपको सिर्फ
मैसेजिंग ऐप का या फिर जो सोशल नेटवर्किंग ऐप्स है उन्हीं का क्लोन करने को मिलेगा। सारे जो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे उसका क्लोन ऐप इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन ड्रॉअर आपको सिंपली ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस को राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक तो डिलीट का और दूसरा है सेटिंग का। सेटिंग में जाके आप यहाँ पे नोटिफिकेशन का जो सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोटिफिकेशन को कैंसिल करना है तो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ आपको स्वाइप कर देना है और कैंसिल हो जाएगा। पहले ये काम नहीं करता था लेकिन अभी ये काम करता है। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो ड्रॉअर है, नोटिफिकेशन ड्रॉअर में जो टॉगल्स है, टॉगल्स को आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टॉगल्स दिए गए हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो यहाँ पे से किसी को भी निकाल सकते हैं और इसके जगह पे कुछ और डाल सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ सेटिंग के पास में जो आइकन दिया गया है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में और भी कुछ आइकन्स दिए गए हैं जिनको आप ऊपर में ला सकते हैं और ऊपर से किसी को भी नीचे में ला सकते हैं। सिंपली होल्ड एंड ड्रैग कर दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी ऐप को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे में ला सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक अच्छा फीचर मिल जाता है। इतना बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से आपको एक हाथ में यूज़ करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पे आपको 100 मोड का फीचर भी मिल जाता है जो कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर के अंदर ही मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर में नीचे की तरफ आपको दिया गया है 100 मोड का फीचर। 100 मोड को आप सिंपली सिलेक्ट कर दीजिए और आपका ये फ़ोन का स्क्रीन जो है छोटा स्क्रीन होके आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे छोटा स्क्रीन बन के आ गया है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं अगर आपको 100 मोड में अपने फ़ोन को यूज़ करना है तो। नॉर्मली बैटरी परसेंटेज यहाँ पे इनेबल नहीं रहता है, इसके लिए आपको सेटिंग में जाके बैटरी परसेंटेज को इनेबल करना पड़ता है। इसके लिए आपको जाना होगा बैटरी के अंदर, सेटिंग के अंदर बैटरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बैटरी के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं शो बैटरी परसेंटेज का एक ऑप्शन दिया गया है। शो बैटरी परसेंटेज को आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए और आपका बैटरी परसेंटेज शो होगा। उसके बाद आप यहाँ पे पावर सेविंग कर सकते हैं या फिर स्मार्ट पावर सेवर को ऑन करके रख सकते हैं। बैटरी परसेंटेज के साथ साथ आप नेटवर्क स्पीड को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनेबल करके रखा है। इसके लिए भी आपको जाना होगा सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का फीचर आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाएंगे तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसको भी आप इनेबल करके रख सकते हैं। और इसके साथ साथ एकदम नीचे की तरफ आपको एक और फीचर मिल जाएगा, शो बैनर नोटिफिकेशन इन फुल स्क्रीन। जब भी आप कोई फुल स्क्रीन में ऐप यूज़ कर रहे होंगे तो आप इसको इनेबल करेंगे तो जो बैनर दिखाता है वो बहुत ही छोटा करके दिखाता है ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। यानी कि आप गेम वगैरह खेल रहे हैं या फिर फुल स्क्रीन में वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हैं तो बहुत ही छोटा आइकन दिखाएगा जिसकी वजह से आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहे तो अपने डिस्प्ले कलर टोन को मैनेज कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर आपको जाना होगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। ब्राइटनेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले जो टोन है वो आप कूल टोन कर सकते हैं या फिर थोड़ा वार्म टोन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ऑटो ब्राइटनेस को यहाँ से इनेबल कर ही सकते हैं और उसके साथ साथ नाइट शील्ड का ऑप्शन दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन के जो टोन है उसको आप नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं इनेबल करेंगे तो आपका जो फ़ोन है उसका जो टोन है वो थोड़ा योलिस बन जाएगा और आपके आँखों को कम स्ट्रेन पहुँचेगा। और इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ डिस्प्ले को आप ब्लैक एंड वाइट भी बना सकते हैं। देख सकते हैं डिस्प्ले ब्लैक एंड वाइट बन गया है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉअर में आपको एक ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट लॉक का। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट लॉक का है। पोर्ट्रेट लॉक के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये पोर्ट्रेट मोड के बारे में है, लेकिन ये पोर्ट्रेट मोड के बारे में नहीं है, ये सिर्फ ओरिएंटेशन लॉक है। यानी कि आप ऑटो रोटेट जिसको बोलते हैं वो है ये। पोर्ट्रेट लॉक को आप ऑफ रखेंगे तो ये आपका ऑटो रोटेट काम करेगा। देख सकते हैं पोर्ट्रेट लॉक में अगर आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका रोटेट करता रहेगा, लेकिन पोर्ट्रेट लॉक को इनेबल कर देंगे तो ये ऑटो रोटेट काम नहीं करेगा। तो ये है पोर्ट्रेट लॉक। सेटिंग के अंदर आपको एक और फीचर मिलता है जो कि है क्वाइट टाइम का। क्वाइट टाइम को इनेबल करेंगे तो इसके अंदर में आप मैनुअली यहाँ पे डाल सकते हैं कितने टाइम से कितने टाइम तक आपका फ़ोन जो है क्वाइट रहेगा, यानी कि कोई भी नॉइज़ नहीं करेगा, कोई भी साउंड नहीं करेगा। फ़ोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर तो मिल जाता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग के अंदर जाने के बाद फिंगरप्रिंट एंड फेस पासकोड में जाएंगे तो फेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप फेस अनलॉक तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करके आप ऐप को भी लॉक कर सकते हैं। देख सकते हैं फेस अनलॉक के अंदर जाने के बाद आपको यूज़ फेस पावर का ऑप्शन मिल जाता है। यूज़ फेस पावर को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रीन लॉक, ऐप लॉक, प्राइवेट सेव इनको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आप यहाँ से ऐप लॉक को भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐप लॉक को यूज़ करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना होगा सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऐप लॉक का फीचर। देख सकते हैं यहाँ पे ऐप लॉक का फीचर दिया गया है। ऐप लॉक के अंदर में जाके आप अपना एक यूनिक कोड डाल सकते हैं। यूनिक कोड डालने के बाद आप वहाँ पे किसी भी ऐप को लॉक कर सकते हैं और उन सारे ऐप्स को आप अपने फेस से अनलॉक भी कर सकते हैं। और सिक्योरिटी के अंदर आपको और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप
एंटी हैरासमेंट या ब्लॉक में कॉल्स को ब्लॉक कर सकती है। यहाँ पे अननोन किसी भी नंबर से आप कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर एक ब्लैक लिस्ट आप बना सकते हैं जिसके अंदर में आप जिस नंबर को डायल करेंगे उस नंबर से आपके पास कोई भी कॉल्स नहीं आएगा, या फिर व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं जिस नंबर से आपके पास कोई भी कॉल आएगा तो ब्लॉक नहीं होगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे किड्स फेस का एक फीचर मिल जाता है। किड्स फेस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्टेन कुछ लिमिटेड फंक्शंस देखने को मिलेंगे जिनको आप अपने बच्चे को यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। किड्स फेस में जाके एंटर किड्स फेस करेंगे तो आपका ये किड्स फेस मोड में आ जाएगा, और जब तक आप ये क्वाइट नहीं करते तब तक ये क्वाइट नहीं होगा, और क्वाइट करने के लिए आपको अपना पिन पैटर्न पासवर्ड डालना होगा। और उसके साथ साथ सिक्योरिटी के अंदर एक और अच्छा फीचर है जो कि है प्रोटेक्ट माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आजकल के बहुत सारे ऐप्स हमारे एसएमएस हमारे कॉल्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसको आप सिंपली एनेबल करके रख दीजिए। करने के बाद जो भी ऐप आपका जो पर्सनल डेटा को एक्सेस कर रहा है उन सारे ऐप के पास आपका एक ब्लैंक डेटा जाएगा, मतलब आपका कॉल हिस्ट्री या फिर कॉल लॉग या फिर मैसेजिंग नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ा प्रोटेक्टेड रह जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक और फीचर मिलता है आइडेंटिफाई अननोन नंबर्स। ये ऑटोमेटिक अपने इंटरनेट डेटाबेस में स्कैन करके आपको बता देगा कोई अननोन नंबर से आपके पास कॉल आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आपको बताने की कोशिश कर देगा कि नंबर किसका है। अगर डेटाबेस में रहता है नंबर तो ये आपको बता देगा नंबर किसका है। गैलरी में जब आप कोई फोटो को या वीडियो को ओपन कर रहे हैं तो फोटो वीडियो को ओपन करने के बाद आप उनको थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हैं। गैलरी में ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है। एडिट को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो एनहांस कर सकते हैं या फिर फिल्टर्स, आप डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा सकते हैं यहाँ पे अपने फोटो को थोड़ा और एडिट करके और उनको एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्यूटीफाई इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं, स्टिकर्स लगा सकते हैं या फिर टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं फोटो एडिटिंग में जाके अपने गैलरी के अंदर। इसके अलावा अगर आप अपने फ़ोन के अंदर जाएंगे गैलरी में जाने के बाद एल्बम्स के अंदर आपको रिसेंटली डिलीटेड का एक ऑप्शन मिलेगा। रिसेंटली डिलीटेड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको पुराने कुछ फोटोज़ आपको दिखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो फोटोज़ डिलीट होते हैं फोटोज़ को ये 30 डेज के लिए रिसाइकल बिन में रखता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो कोई भी फोटो अगर आप बाय मिस्टेक डिलीट कर देते हैं तो उसको आप यहाँ से आके एक्सेस कर सकते हैं या फिर इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गैलरी के अंदर आपको एल्बम्स के अंदर जाना होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा डिलीटेड आइटम्स का फोटो। यहाँ पर आपको जो कैलकुलेटर मिलता है, कैलकुलेटर एक मल्टी फंक्शनल कैलकुलेटर है। इसके लिए आपको कैलकुलेटर को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेट ही नहीं आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं किसी भी डेटा को। जैसे यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन करने के बाद यहाँ पर 3 bars को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कन्वर्टर पर कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन करेंसी कन्वर्सन कर सकते हैं, लेंथ कन्वर्ट कर सकते हैं, एरिया को कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा भी आपको इनबिल्ट यहाँ पे कॉम्पास का फीचर मिल जाता है। देख सकते हैं कॉम्पास के अंदर में जाके आप यहाँ पे डायरेक्शन चेक कर सकते हैं आप किस डायरेक्शन में हैं, इसको आप यहाँ पे इनबिल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी पुराने फ़ोन से इस नए फ़ोन में अपग्रेड कर रहे हैं और अगर आप चाहते कि उस फ़ोन का सारा डेटा आपके इस फ़ोन में आ जाए और सारे ऐप्स भी आ जाए तो वो काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिंपली टूल्स के अंदर जाना होगा। टूल्स के अंदर जाने के बाद आपको मिल जाएगा क्लोन फ़ोन का फीचर। क्लोन फ़ोन के फीचर अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 2 options, दिस इज़ ए न्यू फ़ोन और दिस इज़ ए ओल्ड फ़ोन। आपको सिंपली इसको दिस इज़ ए न्यू फ़ोन करके सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आप दूसरे किसी फ़ोन से कनेक्ट करके या फिर वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर वो एप्पल का फ़ोन हो, आप वहाँ से सारा जो फाइल फ़ोटो वगैरह है ऐप वगैरह है वो आप इस फ़ोन में ट्रांसफ़र इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे आपको एक 3D touch जैसा फीचर मिल जाता है। किसी भी ऐप के आइकन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन फंक्शन करने को मिलेगा बिना ऐप को ओपन किए। देख सकते हैं यहाँ पे ऐप को ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रहा है और यहाँ पे कुछ फंक्शंस करने को मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप अपने फ़ोन के जो विजेट्स है विजेट्स चेंज करना चाहते हैं, यानी कि ये जो क्लॉक का आइकन है या फिर ये जो गूगल बार है इसको चेंज करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 finger से पिंच जूम आउट करना होगा। जूम आउट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे में आपको 2 options मिल जाएंगे, विजेट का और इफेक्ट का। तो विजेट ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे विजेट वगैरह ला सकते हैं। देख सकते हैं विजेट वगैरह आप यहाँ पे ला सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये जो स्लाइड करने का इफेक्ट है इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है। और यहाँ पे आप अपने फ़ोन के अंदर में एक इंटरनल सर्च कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं, इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको कहीं पे भी ऊपर से नीचे स्वाइप करना होगा। स्वाइप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, अपने सारे फ़ोन के अंदर में जो सारे फाइल्स मैसेजेस वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ पर सर्च करके आपको सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा।
स्मार्ट असिस्टेंट का फीचर एक आपको मिल जाता है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे स्मार्ट असिस्टेंट एक मिल जाता है। स्मार्ट असिस्टेंट के अंदर आपको कुछ सर्टेन फंक्शंस का इस्तेमाल करने को मिल जाएगा, कुछ सर्टेन ऐप्स को आप यहाँ पे एक साथ में रख सकते हैं, जो सारे ऐप्स का फीचर आप एक साथ में यूज़ कर पाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे वेदर, स्टेप्स ट्रैकर या फिर क्विक फंक्शंस कुछ दिया गया है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एडिट करके यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं ऑनलाइन ऑर्डर्स, फोटोज़, ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे क्विक फंक्शंस में आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन मिल जाएंगे, जैसे स्कैन डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट का फीचर आपको अलग से भी मिल जाता है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे फोटो ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी फोटो में अगर आपको कोई लिखावट है यहाँ पे इंग्लिश में, तो आप वहाँ से इंग्लिश से चेंज करके उसको हिंदी में चेंज कर सकते हैं। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे फोटो कैप्चर करने के बाद ये जो पूरा जो टेक्स्ट था वो पूरा टेक्स्ट को यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप स्कैन एंड ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी आप टेक्स्ट को यहाँ पे स्कैन करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टेप्स ट्रैकर का फीचर मिल जाता है, स्टेप्स ट्रैकर के अंदर में जाके आप चेक कर सकते हैं डेली आपने कितना वॉक किया है और कितना कैलोरी बर्न किया है या फिर कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। और इसके साथ साथ आप स्कैन नेम कार्ड कर सकते हैं, यहाँ से स्कैन नेम कार्ड में जाएंगे तो यहाँ पर किसी भी कार्ड को, जो कार्ड होता है विजिटिंग कार्ड, उसको स्कैन करके आप कार्ड के अंदर जो सारा जो डिटेल है उसको सेव कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर में। इस फोन में आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर मिल जाता है, लेकिन इसके लिए आना होगा आपको सेटिंग्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको एकदम नीचे सिस्टम ऐप में जाना होगा। सिस्टम ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कॉल का ऑप्शन। कॉल के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का एक फीचर दिया गया है। कॉल रिकॉर्डिंग फीचर के अंदर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड ऑटोमेटिक कॉल्स का फीचर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर रिकॉर्ड ऑल अननोन नंबर कर सकते हैं या फिर सर्टेन कुछ नंबर्स को आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आप अपने होम स्क्रीन से स्मार्ट असिस्टेंट को ऑफ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाके स्मार्ट एंड कन्वीनियंट में जाना होगा। सेटिंग के अंदर आपको मिल जाएगा फीचर स्मार्ट एंड कन्वीनियंट का। इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट असिस्टेंट का जो फीचर है इसको, स्मार्ट असिस्टेंट के फीचर को इसको डिसेबल करना है, टर्न ऑफ कर देंगे तो आप होम स्क्रीन में जाने के बाद लेफ्ट साइड से राइट साइड स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका स्मार्ट असिस्टेंट नहीं आएगा। स्मार्ट असिस्टेंट के अंदर आपको नेविगेशन कीज़ का फीचर मिल जाता है। नॉर्मली नेविगेशन जो कीज़ होता है उसको चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पे वर्चुअल नेविगेशन की यानी कि ऑन स्क्रीन नेविगेशन की को चेंज करके आप स्वाइप अप जेस्चर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं स्वाइप अप जेस्चर्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, दो तीन तरह से आप स्वाइप अप जेस्चर को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप अपना चाहे तो प्रीफर्ड लेआउट जो है नीचे बटन्स का, उन लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। स्मार्ट एंड कन्वीनियंट के अंदर आपको जेस्चर एंड मोशन का फीचर मिल जाता है। जेस्चर एंड मोशन के अंदर स्क्रीन ऑफ जेस्चर फीचर मिल जाता है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर के अंदर आप देख सकते हैं डबल टैप से आप स्क्रीन को वेक कर सकते हैं या फिर ड्रॉ ओ करके आप कैमरा ऑन कर सकते हैं, ड्रॉ वी करके फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाता है जो है रेज टू टर्न ऑन स्क्रीन। इसको ऑन करके रखने के बाद अब जब भी आपने फ़ोन को हाथ में उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वेक हो जाएगा और आपके फेस को देखते ही ये ऑटोमेटिक अनलॉक भी हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फीचर है, बार बार आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके नीचे ही आपको मिल जाएगा थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट। इसको एनेबल करने से आप तीन फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे लॉन्ग एक पेज है, लॉन्ग पेज का स्क्रीनशॉट लेने के बाद, लॉन्ग पेज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप यहाँ पे थ्री फिंगर से स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद नीचे यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपका ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ध्यान में रखिए जहाँ पे आपका लॉन्ग पेज है वहाँ पे ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट काम करेगा, हर जगह पे काम नहीं करेगा। जहाँ पे नीचे में कोई जगह नहीं है वहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट काम नहीं करेगा। और इसके साथ साथ आपको स्मार्ट एंड कन्वीनियंट में असिस्टिव बॉल का एक फीचर मिल जाता है। असिस्टिव बॉल को एनेबल करने से आप असिस्टिव बॉल, ऐसा एक बॉल आ जाएगा जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, टैप करने से आपका बैक जा रहा है और डबल टैप करने से मल्टीटास्किंग और टच एंड होल्ड करने से ये होम पे चला जाता है। तो सिंपली टैप करेंगे तो आपका बैक में चला जाएगा, डबल टैप करेंगे तो आपका रिसेंट में चला जाएगा और इसके अलावा टैप एंड होल्ड करेंगे तो आपका होम मेनू में चला जाएगा। तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था Realme U1 का टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स का वीडियो। दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यूनिक फीचर्स के बारे में बताया है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बहुत मेहनत करके बनाया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।